Good afternoon. In the last class, we had studied about the type 1 hypersensitivity reaction and what are hypersensitivity reactions that also we had studied. Today, we are going to study about the other types of hypersensitivity, that is type 2 hypersensitivity reaction. So type 2 hypersensitivity reaction, it is also known as antibody-mediated cytotoxic hypersensitivity reaction. Antibody-mediated cytotoxic hypersensitivity reaction. कहने का ये मतलब है कि इसमें antibody major role play करेगा. So antibody कैसे? How the antibody will interact? That we are going to see first. So IgG और IgM इन दोनों में से जो भी हो वो एंटीजन हेप्टेन जो भी रहेगा वो मेम्ब्रेन के ऊपर उससे रिएक्शन होगा इसका और उसके बाद जो है ये इंजरी जो है उसको जो टारगेट सेल्स है उसको इंजरी करने के लिए इफेक्टर रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे. तो यहां पर जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन जो हो रहा है ये पहले से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है आईजीजी पहले प्राइम होगा और उसमें एंटीजन जो है या हेप्टेन जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर आके चिपकेगा. सो ये जो टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा एंटीबॉडी और इस इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीबॉडी के कारण जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स होगा. इसमें और क्या होता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इसमें जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन के कारण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन की वजह से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स बना दिए जाते हैं और वो पोर बनने की वजह से जो सेल्स है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. इसके अलावा ये डिस्ट्रक्शन जो है वो सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिटी की भी वजह से हो सकता है. एंटीबॉडी मीडिएटेड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिटी मतलब कोई बड़ा सा सेल का क्लम बनेगा और उसमें सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिटी जो इफेक्टर रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा. इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो एफसी रिसेप्टर जो है वो एफसी रीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा टारगेट सेल के ऊपर. एफसी रिसेप्टर कहाँ होगा, एफसी रिसेप्टर होगा सेल साइटोटॉक्सिक सेल के ऊपर और वो बाइंड हो जाता है एफसी रीजन एंटीबॉडी के, मतलब रिसेप्टर जो साइटोटॉक्सिक टी सेल का जो रिसेप्टर है उसमें एंटीबॉडी बाइंड हो गया है और एंटीबॉडी बाइंड होने के बाद जो है तब उसमें एंटीजन बाइंड होगा और वो एंटीजन कहाँ होगा, वो एंटीजन बाहर भी हो सकता है, वो एंटीजन किसी मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है. आइदर ऑफ द कंडीशन, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होने के बाद साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है उनका सिक्रीशन शुरू हो जाएगा, डीग्रेनुलाइजेशन डीग्रेनुलेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल के जो ग्रेनुल्स हैं उनका डीग्रेनुलेशन शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से जो साइटोकाइंस है उनकी मात्रा ब्लड प्लाज्मा में काफी बढ़ जाएगी. इसके इसको हम लोग कई एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं.
कुछ ऐसा ही मिलता जुलता रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है जब गलत तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड में क्या होना है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड में जो एंटीजन ए वाला ब्लड है उनको एंटीजन ए वाला ही ब्लड देना होता है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो क्लम्प बनेगा और क्लम्प बनने के साथ जो है ना वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो है वो शुरू हो जाएंगे। और मेनी ऑफ द टाइम्स यू नो इट्स लिथल। तो देखिए अभी जो हम लोग पढ़े इसी को यहाँ फिगर से समराइज किया गया है, एलर्जेंस और सेल्स दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। एलर्जन, एलर्जन यहाँ कहने का मतलब जो एंटीजन है या हेप्टेन है उनकी बात कह रहे हैं। वो क्या होता है, वो सेल के सरफेस के ऊपर जो है वो चिपक जाएंगे और सेल सरफेस पर चिपकने के बाद एंटीबॉडी जो है उनके साथ इंटरैक्शन होगा इनका। ये कौन से एंटीबॉडी होंगे, ये एंटीबॉडी पहले से ही साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ चिपके हुए हैं और चिपकने के बाद अब इनकी स्पेसिफिसिटी उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए है पहले से ही। और तब ये जो जो सेल है उसके ऑप्सोनाइजेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन पैदा कर देते हैं। इसके अलावा ये जो है नेचुरल किलर सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स के एक्टिवेशन की वजह से बहुत ज्यादा साइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स जो है वो सिक्रीट होने लगता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी एक्टिवेशन हो जाता है। यू नो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से फिर फर्दर इन्फ्लामेशन जो है वो ट्रिगर हो जाता है। हम लोग देखे थे उसके जो दूसरे वाले कंपोनेंट हैं, जब भी वो टूट रहा था तो उसका दूसरा वाला जो कंपोनेंट था वो कॉम्प्लीमेंट वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को ट्रिगर कर रहा था। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इसमें, ये तो उसी के स्टेप्स हैं। इसमें एक एग्जाम्पल जो है जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है ये तब होता है जब कोई मदर जिन जिनका आरएच फैक्टर निगेटिव है और उनकी शादी अगर कोई आरएच फैक्टर पॉजिटिव फादर मतलब आरएच पॉजिटिव जो मेल है उनके साथ अगर होती है और बच्चे के अंदर जो आरएच फैक्टर है वो पॉजिटिव अगर आता है, अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव है और माँ आरएच निगेटिव है, तो ऐसे केस में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का केस बन सकता है। और ये केस में क्या होता है, बच्चे के अंदर जो आरबीसी है उसमें आरएच एंटीजन रहते हैं। ये सभी कुछ फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में क्या होगा, आरएच पॉजिटिव जो आरएच एंटीजन जो है ये जब मदर के ब्लड में मिक्स होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, वो मदर के ब्लड को सेंसिटाइज करेगा और सेंसिटाइज करने के कारण क्या होगा, उसमें एंटी आरएच जो एंटीबॉडीज हैं वो बनने लगते हैं। ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो है ये पहले तो बहुत थोड़े अमाउंट में बनेंगे लेकिन प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा सेल्स के साथ साथ जो है उसमें मेमोरी सेल्स जो है वो बन के तैयार हो जाता है। जब सेकेंड प्रेगनेंसी की चांस बनती है तो उस समय क्या होता है, ये एंटीबॉडी जो है वो फिटस के अंदर जाकर फिटस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, बिकॉज पहले से ही मेमोरी सेल्स मौजूद है। जैसे ही फिटस का ब्लड जो है वो मदर सेंस करती है उसका आरएच जो है वो इधर आता है, तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज की मात्रा ब्लड में
बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। एंड यू नो कि आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, तो ये आईजीजी जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो फिटस है उसके ब्लड को उसमें उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो है उसको ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से फिटस जो है उसकी जान जा सकती है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग एक एंटी एंटी आरएच मतलब आरएच के अगेंस्ट बनाया हुआ एंटीबॉडी जो है वो मदर को हर थोड़े थोड़े दिन पर इंजेक्ट करते रहते हैं। इससे क्या होगा, अगर कोई भी आरएच फैक्टर फिटस से अगर मदर में आया तो बिफोर इट एक्टिवेट्स द बी सेल, फर्स्ट प्रेगनेंसी की ही बात कर रहा हूं मैं, ये सेकंड प्रेगनेंसी में नहीं होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही जैसे ही ये पता चल जाए कि जो मेल है वो पॉजिटिव है और जो फीमेल है वो निगेटिव है, तो ऐसे केस में निगेटिव मदर को पहले से ही एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो है वो उसका इंजेक्शन दे दिया जाता है। इसको रोग्राम भी बोलते हैं, इन एंटीबॉडीज को रोग्राम बोलते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही ये आरएच फैक्टर वाले आरबीसी जो है मदर के ब्लड में मिक्स होने के लिए आएंगे वो पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे, इससे पहले कि वो कोई भी बी सेल के साथ इनकाउंटर करे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ना बी सेल सेंसिटाइज होगा और ना ही प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स डेवलप होंगे, तो ऐसे में बच्चे की जान बचाई जा सकती है। सो विद दिस वी कैन ओवरकम द सिचुएशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ एंटीजन और हैप्टन सेल पर लगा हुआ है, एंटीबॉडी जो है वो उसके साथ एंटीबॉडी जो कि पहले से ही सेल के साथ चिपका हुआ है वो उसमें जाकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे कि एक्टिवेशन हो रहा है और एक्टिवेशन होने के कारण जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इसके अलावा फैगोसाइटोसिस, नेचुरल किलर सेल्स, ये सभी के सभी एक्टिवेट हो जा रहे हैं और इस एक्टिवेशन की वजह से जो है ये टारगेट सेल में इंजरी हो रहा है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। इसके एग्जांपल्स जो है वो है आपका मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप जो है वो है जहां पर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसके अलावा अभी हम लोगों ने देखा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसके अलावा ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया भी इसका एक एग्जांपल है। तो ये सभी एग्जांपल हैं इसके। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए। अभी जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या देखा, एंटीजन अलग था, एंटीबॉडी अलग था, एंटीजन या एंटीबॉडी वो सेल के साथ पहले अटैच हो रहा है, देन इट इज मेकिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। पर यहां पर क्या होगा, यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। याद रखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग उसी रिएक्शन को पढ़ रहे हैं जहां पर रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, बेवजह रिएक्शन हो गया और रिएक्शन हुआ तो हुआ, थोड़ा मोड़ा नहीं काफी ज्यादा साइटोकाइंस जो है उनका सिंथेसिस होने लगा। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है इसमें
इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएशन होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये रिएक्शन शुरू होता है। इसमें देखिए फ्री एंटीजन और प्राइम्ड एंटीबॉडी ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। साधारण रूप से क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है तो ये इनगल्फ कर दिया जाएगा मैक्रोफाज के द्वारा, और जब इनगल्फ हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो एमएचसी के ऊपर प्रेजेंट किया जाएगा और फिर ज्यादा से ज्यादा जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो होगा। लेकिन अगर ये इम्यून रेस्पॉन्स कॉम्परेटिवली छोटा होगा और ऐसा होगा कि ये बॉडी में या तो लोकलाइज्ड हो या कहीं भी ट्रैवल कर सके, तो ऐसे कंडीशन में जो है ये थोड़ा दिक्कत शुरू करेगा। तो ये ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, ये दोनों ही केस में जो है जब ये ना बड़ा हो ना छोटा हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आसपास के टिश्यू के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। यहां देखिए ये फ्लो चार्ट जो बनाया गया है, सॉल्युबल एंटीजन और एंटीबॉडी, इसका चिन्ह थोड़ा उल्टा हो गया है एंटीबॉडी का, तो दोनों के दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इम्यून कॉम्प्लेक्स अगर छोटा है तब तो वो डिस्ट्रॉय करके वो खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा भी है तो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंटरमीडिएट बनता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, तो जनरली क्या होता है वो कैपिलरीज को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है, कैपिलरीज में जाकर ब्लॉकिंग करेगा। और दूसरा क्या काम कर सकता है, वो कहीं टिश्यूज में जाके चिपक सकता है। ऐसे दोनों ही स्थिति में ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का अगर एक्टिवेशन होता है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होगा तो इन्फ्लामेशन ट्रिगर होगा, इन्फ्लामेशन ट्रिगर होगा तो प्लेटलेट्स एक्टिवेशन होगा, और इसके साथ साथ जो मास्ट सेल है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि काम थोड़े से में चल सकता था, मतलब जो मैक्रोफाज है वो खाके उसको वहीं के वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन अब वो काम ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि वो टिश्यूज या कैपिलरीज में जाकर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और डिपॉजिट होने की वजह से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, ये मास्ट सेल और बेसोफिल्स को एक्टिवेशन हो गया इनका, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया। अब इसके कारण क्या होगा, प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को वो ट्रिगर कर देगा, ठीक है, टिश्यू डैमेज होने लगेगा बिकॉज ऑफ दीज मास्ट सेल, ठीक है, लोकल इंफ्लेमेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, और इन टर्न्स न्यूट्रोफिल्स, फाइगोसाइटिक कॉम्प्लेक्स और ये सब के सब तुरंत के तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। नतीजा ये होगा कि वो साइट जो है वो काफी सूज जाएगा, उसमें एडिमा हो जाएगा, टिश्यू इंजुरी होगा, सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ वहां लोकली संभव है। तो दिस इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, क्लियर है। तो इसमें ऑटो इम्यून डिजीजेस वगैरह आते हैं, जहां इसके अलावा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी इसी का एक एग्जांपल है, इसके अलावा एसएलई, रिमेथाइड आर्थराइटिस, ये सब के सब जो है ना टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के एग्जांपल है, जहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे इंटरमीडिएट इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ना टिश्यूज में जाके चिपक जाते हैं, और टिश्यूज जो है उसको हटाने के लिए इतना ज्यादा ओवर रिएक्शन दिखा देता है जिससे कि अपने सेल्स ही डैमेज होने लगते हैं। अब आइए टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखते हैं।
इस तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा उसमें क्या था, उसमें तुरंत रिस्पॉन्स हो रहा था। आपको पहले समय भी बताया था, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक हो जाता है, एकदम अभी इंट्री लिया और काम शुरू। जैसे आप देखे होंगे बच्चों को जब इंजेक्शन पड़ता है, एक आध घंटे के अंदर ही बुखार उखार सब आने लगता है। बच्चों को जब वैक्सीन पड़ता है तो तुरंत ही बुखार आने लगता है ना, 1 घंटे के अंदर से ही जो है ना डॉक्टर कह देता है कि भाई या तो अभी ही दे दीजिए इसको बुखार की दवा ना, नहीं तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के अंदर तो बुखार आ ही जाना है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरली क्या होता है, क्विक होता है, बट दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज अ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यहां पर जो रिएक्शन होगा ये देर से होगा। होगा कैसे? ये होगा इंटरैक्शन ऑफ प्राइम्ड टी सेल्स एंड एसोसिएशन ऑफ एंटीजन से। अब देखिए, टी सेल जब हम लोग पढ़े थे तो केवल एक ही तरह का टी हेल्पर सेल पढ़े थे, बेसिकली उसका भी दो पॉपुलेशन होता है, टी हेल्पर सेल 1 एंड टी हेल्पर सेल 2। दोनों का पॉपुलेशन बाद में जाके डिफरेंशिएट होता है, ठीक है? तो टी हेल्पर सेल 1 जो है ये डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ट्रिगर करता है। डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कौन ट्रिगर करता है? टी हेल्पर सेल टू, सॉरी टी हेल्पर सेल 1, अच्छा ठीक है? सबसे पहले इसको रॉबर्ट कोच ने देखा था। याद है बच्चों, जब बच्चे थे या फिर बच्चों को देखा होगा आपने, जब उनको टीबी का टीका दिया जाता है, क्यूटेनियस टीका जो लगता है, तो वहां सूजन हो जाते हैं, उसको दबा दे, बीसीजी का टीका कहते हैं उसको, उसको ऐसे दबा के डॉक्टर देखता है कि सूजन हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो ये जो है ये बेसिकली, इसको शुरू में बोला जाता था ट्यूबरिक्लिन रिएक्शन। ये ट्यूबरिक्लिन रिएक्शन जो है ना, ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एंटीजन जो है वो टी सेल को तो एक्टिवेट कर दिया, टी सेल में भी टी हेल्पर सेल 1 को एक्टिवेट किया। ये टी हेल्पर सेल 1 के एक्टिवेशन के बाद जनरली क्या होता है, टी हेल्पर सेल 2 भी बना दिया जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा बन जाए कि टी हेल्पर सेल 1 बन चुका है, अब जब एंटीजन वापस उसको दिख रहा है तो वो क्या करेगा, वो फिर से वापस मतलब सेंस करेगा उसको, तब जबकि वो मैक्रोफाजेस के ऊपर प्रेजेंट किया गया है, और मैक्रोफाजेस के ऊपर प्रेजेंट किया हुआ वाले के साथ टी हेल्पर सेल 1 एक्टिवेट होकर फर्दर दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा वहां पे इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो है उसको ट्रिगर करेगा, और इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स ट्रिगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा मोनोसाइट्स वहां पहुंचेंगे, और मोनोसाइट्स वहां पहुंचेंगे और वो भी अलग अलग तरीके के सेल्स को इनवाइट करेंगे उस जगह पे। ये नॉर्मल प्रोसेस होगा। लेकिन अगर इनके सारा काम करने के बावजूद अगर वहां से पैथोजन नहीं हट रहा है, तब क्या होगा, तब यही रेस्पॉन्स और ज्यादा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ठीक है? यही चीज होता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। एक्चुअली कुछ पैथोजेंस जो होते हैं वो सेल के अंदर घुस जाते हैं, जैसे मैक्रोफाजेस के अंदर बहुत सारे माइकोबैक्टीरियम जो है वो अंदर जाकर अंदर ही रिप्लिकेट करने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो रिप्लिकेट तो करता रहेगा, और रिप्लिकेट करने की वजह से क्या होगा, उसमें उसके जो एमएससी 1 है उसके ऊपर भी इसके प्रोटीन्स जो है वो डिस्प्ले होने लगेंगे। नतीजा क्या होगा, वहां पर
वहां पर जो CD8 पॉजिटिव सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और CD8 पॉजिटिव सेल्स जो हैं इंटरफेरॉन का सिंथेसिस करने लगेंगे। इंटरफेरॉन के सिंथेसिस के कारण और ज्यादा मैक्रोफाजेस, नेचुरल किलर सेल्स सब वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद वो जो इन्फेक्ट, और वो कहाँ छिपा हुआ, वो छिप गया है मैक्रोफाज के अंदर। वो जल्दी इन सब के जो रिएक्शन है उससे मतलब उसका उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस जगह साइटोकाइंस अपने पीक पे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा साइटोकाइंस इकट्ठा हो जाएगा, और नतीजा वही इडिमा, बुखार और मोर एंड मोर ऑफ दीज इम्यून सेल्स, ये सब कुछ वहां इकट्ठा हो जाएगा और लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन दिखेगा। यही बेसिकली होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स होगा, इन्फ्लामेशन साइटोटॉक्सिक काउज्ड बाय इफेक्टर टी सेल्स। अभी इफेक्टर टी सेल बताया आपको कौन सा, इफेक्टर टी सेल 1, ठीक है। इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी मीडिएटेड बाय CD4 टी हेल्पर सेल 1 क्या काम करेगा, इट विल रिलीज कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस। कीमोकाइंस कहते हैं जो कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस कहते हैं, आपको बताए थे, ऐसा केमिकल जो कि दूसरे सेल्स को इनवाइट कर रहा है वहां आने के लिए, ठीक है। और इसके बाद इसी में और ज्यादा एडवांस रूप में क्या हो जाएगा, साइटोटॉक्सिटी बिकॉज ऑफ CD8 पॉजिटिव सेल्स, ठीक है। इसी, ये जो भी मैकेनिज्म अभी बताए उसी को यहाँ समराइज किया गया है। एंटीजन इंड्यूस करेगा सबसे पहले टी सेल को, और टी सेल जो अब जब सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो वही टी सेल जो है वो अलग अलग तरह का साइटोकाइन भी रिलीज करेगा, और उसी टी सेल के कारण जो है वो जो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है ये? सो विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर।